नमस्कार, मेरा नाम है साजिब और आप देखना शुरू कर चुके हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज पॉलिटिकल बाइट। और यहाँ पर देखिए कि आजम खान को 3 साल की सजा सुना दी गई है। आजम खान की को देखिए, उनकी विधायकी पर भी तलवार लटक गई है। सपा के फायर ब्रांड नेता माने जाते थे आजम खान और 10 बार विधायक चुन करके आए हैं, तो अब आप समझ सकते हैं कि उस नेता का वर्चस्व किस तरीके का होगा। इस वजह से देखिए कि उन पर गाज गिरने के बाद सपा को भी एक बड़ा नुकसान हुआ है। मुलायम सिंह यादव के साथ सपा को सींचने का काम किया, लेकिन भद्दी टिप्पणियां और बड़बोलापन कहीं ना कहीं उन्हें भी ले डूबा। और इसी तरीके से देखिए कि अब उनकी विधायकी पर तलवार लटक गई है। तमाम सत्ताधारी नेता, भगवा खेमे के नेता अब कोर्ट के फैसले का स्वागत कर रहे हैं, तो विपक्ष के कुछ नेता जिन्हें समर्थन नहीं करना चाहिए था यहाँ पर आजम खान का, वो अब समर्थन करते नजर आ रहे हैं। बसपा समर्थन करते नजर आ रहे, लेकिन जिसके बयान का इंतजार है, जिसकी टिप्पणी का इंतजार है, वो है अखिलेश यादव। उनका कोई बयान अभी तक नहीं आया है। वहीं राजा भैया का इस पर देखिए बड़ा बयान आ गया। राजा भैया ने यहाँ पर आजम खान की गिरफ्तारी पर बड़ा बयान देते हुए कहा है कि आजम खान के ऊपर लगातार जो उनके गड़े मुर्दों को उखाड़ करके यहाँ पर जो फैसला सुनाया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं जो है न्यायपालिका का मजाक बनाया जा रहा है। तो राजा भैया के इस बयान के बाद जो है सियासत में एक नई हवा जो है दौड़ गई है, लेकिन अखिलेश यादव का यहाँ पर कोई बयान आता नजर नहीं आ रहा है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट पे इतना ही था, तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।